please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चेन्नई में पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के निधन के बाद सियासी गलियारों में मातम पसर गया। बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरे सियासी दलों ने करुणानिधि के निधन पर शोक व्यक्त किया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने करुणानिधि के निधन पर दुख जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि करुणानिधि के निधन से दुखी हूँ, वो देश के वरिष्ठतम नेताओं में एक थे। दुख की इस घड़ी में मेरे विचार उनके परिवार और अनगिनत समर्थकों के साथ हैं। भारत और विशेष रूप से तमिलनाडु उन्हें बहुत याद करेगा, उनकी आत्मा को शांति मिले। कांग्रेस ने तमिलनाडु के विकास में एम करुणानिधि के योगदान को याद करते हुए उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। पूरे देश को अपूर्णीय क्षति हुई है, इसको कोई पूरा नहीं किया जा सकता। बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी करुणानिधि की मौत पर दुख जाहिर किया और उनके परिवार के लोगों और समर्थकों के साथ संवेदनाएं जताई। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम बैठक में कमल हासन ने भी करुणानिधि के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके सियासी सफर से जुड़े कभी न भूलने वाले पलों को याद किया। बिफोर आई न्यू करुणानिधि साहब एज अ पॉलिटिशियन, आई न्यू हिम एज अ राइटर, ही हैज डन द बिट फॉर तमिलियंस। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने भी करुणानिधि के निधन पर शोक व्यक्त किया। द रोल ऑफ करुणानिधि इज नॉट ओनली लिमिटेड टू तमिलनाडु, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर इन द कंट्री, नॉट ओनली द कंट्री आउटसाइड कंट्री, सो मेनी एडमायरर्स। करुणानिधि के निधन पर तमिलनाडु सरकार ने पूरे राज्य में 7 दिन तक शोक मनाने की घोषणा की। चीन के एक सैनिक अड्डे पर कुछ वैज्ञानिक बड़े रॉकेट को छोड़ने वाले एक लॉन्चर को तैयार करने लगे। इस लॉन्चर से चीन ने मिसाइल रोकने वाले एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी भेद देने वाले आधुनिक विमान स्टारी स्काई 2 का परीक्षण किया, जिसके लिए क्रेन की मदद से लंबे बक्से जैसे लॉन्चर को तैयार किया गया। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक एक रॉकेट की जांच करने लगे। जांच के बाद उसे लॉन्चर में डाल दिया गया। उस रॉकेट में स्टारी स्काई 2 नाम का विमान था, जो हाइपरसोनिक विमान है, यानी आवाज से कई गुना तेज उड़ने वाला विमान। उसके लॉन्च की पूरी तैयारी हो जाने के बाद लॉन्चर को परीक्षण के लिए खड़ा कर दिया गया। थोड़ी देर बाद लॉन्चर से आग और धुआं छोड़ता हुआ रॉकेट आसमान की तरफ उड़ गया। चीन ने अपने हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट का परीक्षण पूरी तरह से सफल रहने का दावा भी किया। चीन की सेना के पास जल्द ही हाइपरसोनिक विमान भी आ सकता है। CAAA यानी चाइना अकेडमी ऑफ एरोस्पेस एंड एरोडायनामिक्स ने एक हाइपरसोनिक विमान की सफल टेस्टिंग का दावा किया है, जिसके मुताबिक स्टारी स्काई 2 नाम के एक विमान का परीक्षण शुक्रवार को किया गया है। इसे रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है और 10 मिनट बाद हवा में छोड़ दिया गया। ये विमान टेस्ट के दौरान करीब 30 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा। दावा किया जा रहा है कि ये विमान शॉक वेव यानी झटकों से पैदा होने वाली तरंगों पर चलता है, इसलिए इसे वेव राइडर भी कहा जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि चीन की एजेंसी के दावे के मुताबिक ये विमान दुनिया के किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। स्टारी स्काई 2 को किसी भी रॉकेट से उड़ाया जा सकता है और ये न्यूक्लियर हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन इस विमान को चीन की सेना के सुपुर्द किए जाने से पहले अभी कई टेस्ट किए जाने बाकी है। न्यूज 18 इंडिया के कार्यक्रम बैठक में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल के आखिर तक राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद जताई। 2019 के चुनाव राम टेंपल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, इस पर लड़ी जाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ या अपेक्षा करता हूँ कि इस साल के अंत तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। जबकि AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सुब्रमण्यम स्वामी के दावे को हवा हवाई करार दिया। उन्होंने बीजेपी पर 2019 चुनाव जीतने के लिए एक बार फिर राम मंदिर के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी के लिए बहुत आसान है हिंदू मुस्लिम कर दो, बीजेपी के लिए बहुत आसान है कि गाय को इशू बना दो, जो सिपाही हमारे मारे जा रहे हैं उसको इशू मत बनाओ। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि ये बताया जाए कि किस तरह से हमने हलाला, ट्रिपल तलाक, ये सब ध्यान भटाओ चीज़ें हैं, पर बीजेपी यही नहीं बताएगी कि हमारे जो डिफेंस का बजट है, डिफेंस स्पेंडिंग 62 के लेवल पर चला जा चुका है। ट्रेनों में गंदगी फैलाने से जुड़ा एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा मुंबई लोकल की एक ऐसी लाइन से जुड़ा है जिसे देश में सबसे व्यस्त रेल रूट माना जाता है। ये वेस्टर्न रेलवे का चर्च गेट से दहानू तक पहुंचने वाला रूट है, जिस पर रोज करीब 35 लाख लोग सफर करते हैं।
हैरान करने वाली बात यह है कि इस अकेले रेल रूट पर रोज करीब 800 किलो कूड़ा बनता है। वेस्टर्न रेलवे को इस कूड़े की सफाई के लिए हर साल 6.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी रोज मुंबई लोकल की केवल एक लाइन की सफाई के लिए रेलवे को करीब 2.25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। रेलवे के अधिकारियों का दावा है कि रोजाना बनने वाले कचरे में सबसे बड़ा हिस्सा प्लास्टिक की पानी की बोतलों का होता है, जो लोग पानी पीकर ट्रेन में फेंक देते हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में एक बार फिर आतंकियों ने पुलिस के एसपीओ को निशाना बनाया। आतंकियों ने एसपीओ आशिक हुसैन के घर में घुसकर गोली मार दी। एसपीओ आशिक हुसैन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले भी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में कई एसपीओ को निशाना बनाया है। मुंबई में महाराष्ट्र कर्मचारी संगठन के कई लोग राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। सभी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग को लागू करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जुटे और नारेबाजी करते हुए राज्य की फडणवीस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कई बार सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने 3 दिन के बंद का ऐलान किया और पहले ही दिन सरकार पर जल्द अपनी मांगों को मानने का दबाव बनाया। 7th पे कमीशन के लिए और हमारी बहुत सारी जो मांगे हैं, जो वैकेंसीज इस राज्य सरकार में है, इसकी वजह से हमने ये स्ट्राइक किया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से बकाया डीए देने की मांग भी की। 14-18 महीने का डीए इन्होंने दिया नहीं है। लास्ट टाइम जो सरकार थी उन्होंने भी हम लोग का डीए डुबाया है, इन्होंने दिया नहीं है, ये भी हमको चाहिए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुरेज में शहीद हुए लांस नायक विक्रमजीत के घर अंबाला में गम का माहौल है। विक्रमजीत गुरेज में आतंकवादियों से मुठभेड़ के समय शहीद हो गए। बेटे के गम में डूबी विक्रमजीत की मां ने सरकार से अपील की कि उसकी गोद सूनी करने वालों का घाटी से सफाया होना चाहिए। विक्रमजीत की शादी को अभी 7 महीने ही हुए थे। बताया जा रहा है कि विक्रमजीत की पत्नी गर्भवती है, जो विक्रमजीत के जल्द छुट्टी पर आने का इंतजार कर रही थी। उग्रवादियों ने मेरा घर जाड़ दी, मेरा बच्चा जेल लिया, मेरे तो उग्रवाद खत्म होना चाहिए, एक बीमारी है उग्रवादी। चुनाव आयोग की कोशिश है कि ईवीएम को सीधा आधार नंबर से ही जोड़ दिया जाए, जिसके लिए चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी का इंतजार है। चुनाव आयोग की योजना है कि ईवीएम को सीधा आधार नंबर से जोड़ दिया जाए, जिससे वोट डालने आए लोगों की पहचान की जरूरत ही खत्म हो जाए। आधार में दर्ज जानकारियों के तहत केवल बायोमेट्रिक से ही वोटर की पहचान हो जाएगी और वोट देने आए लोगों को दस्तावेज दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देश में करीब 87 करोड़ मतदाता हैं, जिनकी जानकारियां इस योजना को हरी झंडी मिलने के बाद ईवीएम से जोड़ दिया जाएगा। चुनाव आयोग इसमें 30 करोड़ मतदाताओं को आधार से जोड़ भी चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान योजना पर रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग की बड़ी परेशानी यह है कि हर चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची नए सिरे से तैयार करने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है, जिस पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भी लगाना पड़ता है और बाकी जो काफी जो पैसा है वो तो इसमें खर्च हो ही जाता है। यूपी के फिरोजाबाद में 4 बच्चे सीढ़ी की मदद से एक मकान की छत पर चढ़ने लगे। भारी बारिश के बाद वहां रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से इन बच्चों को सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि बारिश का पानी इलाके में इस कदर जमा हो गया कि लोगों के पास घर से निकलना कोई रास्ता नहीं बचा। खुद को बारिश के पानी से घिरता देख लोगों ने मकानों के सहारे सीढ़ियां लगा दी, जिनकी मदद से लोग इधर उधर जाते दिखाई दिए। इसी इलाके में कुछ लोग लकड़ी के टुकड़े को नाव की तरह इस्तेमाल करते हुए नजर आए। वहीं मकानों में बारिश का पानी घुसने से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। इलाके के लोगों का दावा है कि पिछले हफ्ते हुई भारी बारिश के बाद इलाके में पानी भर गया था, लेकिन पानी निकालने के लिए नगर निगम ने कोई कदम नहीं उठाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक विमान पहाड़ पर जंगल में लगी आग पर गुलाबी केमिकल गिराने लगा। बीते 3 हफ्ते से इस जंगल में लगी ये आग करीब 3 लाख एकड़ में फैल गई, जिसके बाद उस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए विमान से आग बुझाने वाला केमिकल गिराया गया। पहाड़ पर लगी आग किसी ज्वालामुखी के लावा की तरह धधकता दिखा। इस आग की वजह से इलाके की 1600 से ज्यादा इमारतें जलकर राख हो गईं। Wondering when I can get into my place, wondering when my mom's gonna be back home. It's been a nightmare. जंगल में फैली आग को बुझाने के लिए 14,000 से ज्यादा दमकल कर्मियों को लगाया गया। We'll be able to hopefully try to get this fire under control. आग की वजह से धू धू कर जल रहे मकानों पर पानी की बौछार की गई। कई इलाकों के जंगल में लगी आग कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे बड़ी आग बताई गई। इस आग की वजह से 2 लोगों के मौत की भी जानकारी है।
यूपी के संभल में मदरसे में लड़कियों को बंधक बनाने की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी की। एसडीएम की अगुवाई में पहुंची महिला अधिकारियों की टीम ने लड़कियों से पूछताछ की। छापेमारी के बाद से ही मदरसा चलाने वाले फरार हैं। अवैध तरीके से मदरसा और स्कूल चलाने की बात सामने आ रही है। आसपास रहने वालों ने ही पुलिस से इसकी शिकायत की थी। हरियाणा के पंचकुला में रोडवेज के कुछ कर्मचारी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध किया, जिसका सबसे ज्यादा असर हरियाणा में देखने को मिला। वहां के पंचकुला में रोडवेज कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर केंद्र और खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा कर्मचारी महासंघ की तरफ से बुलाई गई इस हड़ताल को कई संगठनों का समर्थन मिला। हड़ताल पर बैठे रोडवेज कर्मचारियों ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर रोडवेज के निजीकरण करने का आरोप लगाया। हमारी 729 जो किलोमीटर स्कीम पे बसें ले रही है हरियाणा सरकार, उस बस को हम किसी भी कीमत पे बेड़े में नहीं घुसने देंगे। रोडवेज कर्मचारियों ने मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2017 के लागू होने पर किराया महंगा होने का दावा किया और इस बिल को रद्द करने की मांग की, जिसके तहत अगर रोडवेज बस हादसे का शिकार हो जाए तो उसका हर्जाना ड्राइवर से वसूलने का प्रावधान है। यही बात रोडवेज कर्मचारियों को नागवार गुजरी, जिसे लेकर बुलाई गई हड़ताल का खासा असर देखने को मिला। हड़ताल की वजह से कई यात्री सड़क पर घंटों बस का इंतजार करते नजर आए। ये बस ना मिली तो इसके लिए हम बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं। हालांकि रोडवेज के चक्का जाम का फायदा निजी बस चलाने वालों ने उठाया और यात्रियों से कई जगह मनमाना किराया वसूला। प्राइवेट बस में आते हैं तो मन चाहे किराया लेते हैं वो, और पास अलाउड नहीं करते हैं, स्टूडेंट पास होते हैं जो। हड़ताल के दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार पर उनकी आवाज दबाने का आरोप भी लगाया। साथ ही मांगे न माने जाने पर 20 अगस्त को हरियाणा विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दी। जयपुर में IRS महिला अधिकारी पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला, जिसके मुताबिक अधिकारी ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला अधिकारी के कमरे को सील किया है। खुदकुशी करने वाली महिला अधिकारी के पति गुरप्रीत सिंह दिल्ली में IAS अफसर हैं। पुलिस जल्द उनके पति से पूछताछ करेगी। महिला अधिकारी के परिजनों से भी बातचीत की कोशिश की जा रही है। एक छोटा सा साइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मुझे मेरे मतलब पति और सास ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुंबई के समंदर में मिली एक मछली ने दो मछुआरे भाइयों को रातों रात लखपति बना दिया। शुक्रवार को समंदर में मछली पकड़ने निकलने दोनों भाइयों के जाल में एक बड़ी सी घोल मछली फंस गई। दावा किया जा रहा है कि नीलामी के दौरान वो घोल मछली 5.5 लाख रुपए से में बिकी। बताया ये भी गया कि घोल मछली के जाल में फंसने की जानकारी मिलते ही समंदर किनारे खरीदारों की भीड़ जुड़ गई, जिसके बाद वहीं पर मछली की बोली लगाई गई, जिसमें एक खरीदार ने 5.5 लाख की बोली लगाकर घोल मछली खरीद ली। जो घोल मछली दोनों भाइयों के जाल में फंसी उसका वजन करीब 30 किलो था, यानी ये घोल मछली 18,000 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा महंगे दाम पर नीलाम हुई। बताया गया कि घोल मछली का इस्तेमाल दवा और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग और जापान जैसे देशों में घोल मछली की भारी मांग है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में मेजर कौस्तुभ राणे समेत 4 जवान आतंकियों से मुठभेड़ के समय शहीद हो गए। मेजर कौस्तुभ राणे महाराष्ट्र के थाने के मीरा रोड के रहने वाले थे। मेजर की शहादत की खबर के बाद उनके घर लोगों का आना जाना लगा है। मेजर के घर उनका पार्थिव शरीर आने का इंतजार है। मेजर कौस्तुभ के परिवार में माता पिता, छोटी बहन और उनका 2.5 साल का बच्चा है। परिवार गाँव जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी मेजर कौस्तुभ की शहादत की खबर से जिंदगी थम सी गई। बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट था, फोकस्ड था। उसका एक ही टारगेट था, गोल था कि उसको मिलिट्री में सर्व करना है।